हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये आपका एग्जाम्पल 15 चैप्टर 13 इम्प्लीमेंटिंग किस तरह से करेंगे आप देखना। तो कहते हैं होता क्या है स्टूडेंट्स, जनरली आपका फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, कोई भी बेस थ्योरम पे, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपका, बेस थ्योरम का क्वेश्चन करने का होता क्या है, मतलब क्या निकलता है कि आपको दो चीज़ें दी रहती हो, ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना और इनका एक कॉमन पोर्शन आता है, वो क्या आता है, ये दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आपका, मान लो आपको दो चीज़ें दी रहती हैं E1 और E2, आपको कॉमन पोर्शन इनका रहता है ए, इन्हीं में से किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको निकालना है कि आपको गिवन है ए, निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1, तो उसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, फिर आपका डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। तो ये तो आपका जब इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन जो एग्जाम्पल 15 है स्टूडेंट्स आपका, वो एकदम धांसू एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल पे भी आपका क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं। तो ये इसका एक अलग से फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो इसी ये मैंने ये वाला आपको एग्जाम्पल पिक किया है, कैसे करना है देखिए। आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको वो नोट डाउन करना है और फिर उसके बाद हम क्या सॉल्व कर देंगे। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक आदमी ने आपका जो भी है, एक पर्सन ने आपका कंस्ट्रक्शन जॉब लिया, प्रोबेबिलिटी है कि 0.65 जो है वहाँ पे स्ट्राइक होगी ही होगी। क्या प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक होने की, 0.65। तो नहीं स्ट्राइक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0.35, वन से माइनस करना है, 0.80 दैट दी कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई भी स्ट्राइक ना हो, कोई भी स्ट्राइक ना हो तो काम क्या हो जाएगा, 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि काम कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। एंड 0.32 दैट दी कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक होता है तो आपका क्या है प्रोबेबिलिटी काम कंप्लीट होने की टाइम पे, 0.32। आपको डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो आपका क्या है टाइम पे होगा। तो मान लो मैंने इसको मान लिया ई, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब इसमें और जो मैंने लेफ्ट में फॉर्मूला लिखा उसमें डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस इसी लाइन से समझ आ जाएगा। आपको जब ये वाला निकालना होता है, और यही बेसिकली पूरे एनसीईआरटी में आपको निकालना है, तो इस वाले में क्या रहता है, आपको ऐसा पूछा रहता है कि डिटरमाइन करनी है इसकी, अगर ये ऐसा हुआ तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट दी कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया, डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट बोला गया है, तो आपने इसको ई मान लिया। अब आपका क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या क्या है वहां पे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या है कि स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक नहीं होगी, काम कंप्लीट होगा कब, जब स्ट्राइक नहीं होगा, काम कंप्लीट होगा कब, जब स्ट्राइक होगा, यानी कि जब जब जो है वो क्या आ रहा है उसकी मेन प्रोबेबिलिटी है। यानी मैं मान के चलूंगा कि ए जो है आपका, ए क्या है कि स्ट्राइक होगी ही होगी, देर विल बी अ स्ट्राइक, और शायद ऐसा हो सकता है कि नो स्ट्राइक। और आपको तो ये पता ही है कि अगर स्ट्राइक हुआ तो भी कंस्ट्रक्शन का जॉब क्या है कंप्लीट होना है टाइम पे, स्ट्राइक नहीं हुआ तो भी कंस्ट्रक्शन का जॉब नहीं, मतलब कंप्लीट होना है टाइम पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.65, और स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 माइनस में PA, यानी कि आपका 0.35, क्योंकि आपका स्ट्राइक नहीं होगा। फिर आपको ऐसा बोल रखा है कि आपका अगर स्ट्राइक हुआ, ठीक है, तो काम कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही बोल रखा है, अगर स्ट्राइक हुआ तो 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक हुआ तो काम कंप्लीट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.32। अगर स्ट्राइक क्या है आपका, एक से हाँ, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो भी आपको क्या करना है, काम कंप्लीट करना है, स्ट्राइक नहीं हुआ तो भी आपका काम कंप्लीट होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दे रखा है, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होता है, क्योंकि बी क्या है आपका नो स्ट्राइक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स आपकी 0.80, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, यहाँ पे इफ बट कुछ दे नहीं रखा, डायरेक्ट पूछ रखा है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन
टाइम स्केल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कि ये वाला जो फॉर्मूला ये था आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि आपका क्या होगा, स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक भी होगा और वहां पे काम कंप्लीट भी होगा, प्लस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक नहीं होगा, और अगर स्ट्राइक नहीं होता है आपका तो क्या होता है, काम कंप्लीट होता है। समझ आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक होगा तो काम कंप्लीट होगा, स्ट्राइक नहीं होगा तो काम तब भी कंप्लीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.65 मल्टीप्लाई आपका 0.32 प्लस में आपका 0.35 मल्टीप्लाई 0.80। तो यहाँ पे आपका ये 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, फिर आपका नीचे से आपका 1 बाय, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई 100, 10,000, यहाँ भी 10,000 है, तो 1 बाय 10,000 तो आपका क्या ले लिया जाएगा, कॉमन। ऊपर क्या बचा आपका, 65 मल्टीप्लाई 32 प्लस में आपका 35 मल्टीप्लाई 80। तो ये यहाँ पे आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 बाय 10,000, 1 बाय 10,000। फिर आपका 65 और 32 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, फिर ये आपका आ जाएगा 195,08, फिर ये आपका 2,080, ये 2,080 प्लस में आपका 80, ये हो जाता है आपका 2,800, यानी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 4,880 बाय 10,000, कैंसिल, कितना आ गया, 0.488 कि आपका काम कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल का नाम शेषन जा। तो स्टूडेंट देखो आपका ये नया टाइप का है, इसीलिए मैंने कराया, मतलब कि हटके है थोड़ा। ठीक है, तो पढ़े आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।